योर मेंटालिटी में, आपने काम भी किया प्रोफेशनली, व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज अ पर्सन आपको लगता है इन दोनों में? मुकेश जी एंड मंजू जी बहुत बहुत ही पैशनेट इंसान है, जो अपने क्राफ्ट को लेके बहुत ही पैशनेट हैं. जब ये फिल्म भी की थी तो उनके लिए फ़र्स्ट टाइम था, मंजू जी के लिए एज ए प्रोड्यूसर और मुकेश जी के लिए एज एन एक्टर. लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत पैशन और बहुत हुनर दिखाया. सो मुझे आई एम वेरी वेरी श्योर कि ये उनका नया वेंचर है, नया प्रोजेक्ट है हैंग आउट स्टूडियो, ये भी बहुत सक्सेस पाएगा. ये तो अश्योर्ड है कि क्वालिटी जो है स्टूडियो में बनी रहेगी, एंड दैट इज़ द मेन थिंग एंड दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. दे ऑलवेज एक्सपेक्ट क्वालिटी फ्रॉम अदर पीपल एंड दे हैव दे वांट क्वालिटी इन देमसेल्फ. बट बीइंग एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर बहुत डिफिकल्ट होता है, एक्टर टू मार्केट गेट अ पीस, बट बीइंग अ प्रोड्यूसर बहुत मुश्किल होता है या कोई बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना. आपने भी ट्राई किया, क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है जब आप? ऑफकोर्स अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करना मुश्किल होता ही है, लेकिन हम क्यों कहें कि सक्सेस और फेलियर तो डिपेंड करता है कि इंसान की मेहनत पर, और मेहनत आई एम श्योर मुकेश जी और मंजू जी बहुत ही करेंगे. लास्टली वांट टू आस्क, मैंने प्रोफेशनली तो बहुत कुछ हो नहीं रहा है किसी के भी लाइफ में, लेकिन अहेड व्हाट इज द प्रोजेक्ट यू वांट टू वर्क इन, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू वांट टू वर्क? ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा एक मीडियम हो गया है, क्या करना चाहेंगे? होपफुली सून यू विल सी मी ऑन एन ओटीटी प्लेटफॉर्म, बट होपफुली सून, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो प्रोजेक्ट दैट आई कैन टेल यू अबाउट. परेशानी है सर. सर क्या कहना चाहेंगे मंजू जी और मुकेश जी का ये जो वेंचर है, आपको बहुत अच्छा लगा जैसा कि आपने तारीफ की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. प्रोफेशनली आप जहाँ पहले से भी जानते हैं, तो एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे मंजू जी ने कहा हमारा एक छोटा सा स्टूडियो है और हम चाहते हैं कि आप प्लीज़ आए स्टूडियो को देखें, और आज इनॉग्रेशन है तो मैंने भी सोचा कि होगा कोई, आजकल जैसे यू नो प्यारे प्यारे छोटे से कोजी टाइप के स्टूडियोज होते हैं, यहाँ आकर जब वाकई में सर पूरा स्टूडियो है, लेकिन क्या करेंगे इतने बड़े स्टूडियो का आजकल तो सब, जैसे कि आप कह रहे हो फिल्म की शूट हो जाएगी यहाँ पर. ओह तो रिकॉर्डिंग्स होती है, शूटिंग होती है? ओनली फॉर शूट, ओनली शूट. हैंगर है पूरा, इसमें हॉस्पिटल भी है, डिफरेंट डिफरेंट पुलिस स्टेशन, बेडरूम से सब. अच्छा, एवरी शूटिंग के लिए शूट पर? अरे मुझे लगा स्टूडियो, हम तो हम लोग की सोच गानों तक ही रहती है, मुझे लगा कि म्यूजिक स्टूडियो है. अच्छा जी, फिल्म स्टूडियो है, तभी तो आपसे कहा फीचर कर रहे हो आप. हाँ हाँ, तो फिर तो बारिश शुरू होगी, लेकिन कमाल की बात है कि हाँ अभी सब जरूरी था, स्पेशली जो कोविड का जो वक्त है कि कहाँ कहाँ अलग अलग जगहों में जाओगे शूट करने के लिए, एक ही जगह सारी उपलब्धियाँ हैं. यहाँ पुलिस स्टेशन है, बट अगर हम मास्क नहीं पहने तो कहीं हमें ही ना अंदर कर रहे हैं, तो बारिश भी हो रही है. बट आई एम वेरी वेरी थ्रिल्ड, वेरी हैप्पी मंजू जी कि आपने इतना अच्छा एक फैसिलिटी बनाया है राइट इन द हार्ट ऑफ द सिटी, और होपफुली हम लोग बहुत जल्दी आ गए यहाँ पे शूटिंग करेंगे. अभी आप लोग सब मास्क पहने रहिए प्लीज. हाँ जी मैं सर क्या कहना चाहेंगे, मंजू जी और मुकेश जी का जो लॉन्चिंग हुआ है ये नया स्टूडियो जो है हैंगआउट, कितना आपको एंटरप्राइजिंग लग रहा है, और उनके बारे में एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज अ पर्सन क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मुकेश जी और हमारे प्रोड्यूसर जी को मैं कई साल पहले मिला था ऑन सब्जेक्ट ऑफ मेकिंग अ मूवी टुगेदर, टू वर्क टुगेदर एज एन आर्टिस्ट, और वहाँ से जान पहचान हुई. अच्छा लगा ऐसे लोग, मतलब जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. मुझे कहा गया था कि दे आर प्लानिंग टू डू अदर थिंग्स रादर देन जस्ट बी प्रोड्यूसर्स, तो मुझे पता नहीं था जब तक इस हफ्ते मुझे पता चला कि दे आर प्लानिंग टू मेक, दे ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन अ स्टूडियो एंड दे ब्रिंगिंग अ स्टूडियो फॉर शूटिंग्स एंड एवरीथिंग. तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आजकल चीज़ें इतनी मुश्किल हो गए हैं फॉर शूटिंग, ज़्यादा करके लोग बॉम्बे से दूर जा रहे हैं शूट करने के लिए, जैसे कि नागांव हुआ या वी गो टू गुजरात, वी गो टू अदर प्लेसेस फॉर शूटिंग, और यहाँ पर विद इन बॉम्बे सिटी लिमिट्स, विद इन मलाड, मतलब हमारे सबर्ब्स में एक बढ़िया सा स्टूडियो उन लोगों ने इन्वेस्ट करके खोला हुआ है. सो आई विश देम ऑल द लक, इट्स अ मच रिक्वायर्ड, क्या कहते हैं, इट्स अ मच रिक्वायर्ड नीड फॉर द इंडस्ट्री, जितने स्टूडियोज हो सके दे नीड टू कम अप, ताकि इंडस्ट्री को थोड़ा सा आई वुड यू से इट बिकम्स ईजी फॉर द इंडस्ट्री, हमको दूर ना जाना पड़े, यहाँ पे जो लोग हैं उनको काम मिले, एंड यू नो एवरीबडी बेनिफिट्स फ्रॉम समथिंग लाइक दिस. सो मैं मंजू जी एंड मुकेश जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक देम दैट दे डन समथिंग लाइक दिस फॉर द इंडस्ट्री, एंड ऑल द बेस्ट टू देम, एंड दैट्स ऑल आई वांट टू से. थैंक यू मुकेश जी, मंजू जी, कॉन्ग्रेट्स, आपका जो हैंग आउट स्टूडियो खोला है आपने, क्या कहना चाहेंगे, कितने उत्साहित इसको लेकर, और जो फैसिलिटीज आप अवेलेबल कराएंगे कस्टमर्स को उसके बारे में बताइए. थैंक यू सो मच फॉर अ लवली विशेज, और आप सब लोग आए, बहुत खुशी हो रही है.
और एक नया वेंचर अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अब तक हम पिक्चर शूट करते थे दूसरों की लोकेशंस पे जाके, तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हुआ मुझे कि हमें प्रोड्यूसर्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ की कमी होती है और क्या हमें देना चाहिए। तो एक छोटी सी कोशिश है कि एक छोटे सी स्टूडियो बनाया है, सेटअप किया है कि यहाँ जो प्रोड्यूसर्स आएँ उनको अच्छी फैसिलिटी मिले। और जैसे आजकल जो ज़माना है डिजिटल का ज़माना है, तो डिजिटली काफ़ी कुछ सोच के हमने लोकेशंस को डेकोरेट किया है, उनको रूप दिया है। तो बस प्रोड्यूसर्स आएँ, उनको एक अच्छा कंफर्ट फील हो और उसके साथ साथ उनका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा बनकर आए, अच्छा निखर कर आए, और जब ऑडियंस तक पहुँचे तो वो और भी अच्छा लगे ऑडियंस को। तो बस इसी कोशिश के साथ हैंगआउट स्टूडियो की को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और बस यही उम्मीद करते हैं कि ये सक्सेसफुल हो और लोगों को ये लोकेशन अच्छी लगे और आगे इन फ्यूचर हम और भी बड़ा स्टूडियो लेकर आए। मुकेश, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आप कितने उत्साहित हैं और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की शुरुआत है ये और क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल कर रहे हैं? ये जो हैंगआउट स्टूडियो है आप जो देख रहे हैं, ये हैंगआउट स्टूडियो मतलब इतना अट्रैक्टेड, मतलब कैची नेम है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये बड़े मेरे दिल के करीब है, और हैंगआउट स्टूडियो क्योंकि यहाँ पर पूरा सेटअप बना रखा है। देखा होगा आपने ये पूरी बिल्डिंग के अंदर जो जिस तरीके से शूट को एक जो चीज़ चाहिए, जैसे कि पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स एंड ऑफिसेस, इस बिल्डिंग में सब कुछ है। तो और हम अभी बहुत और भी इसके अंदर हम लोग तैयारियां कर रहे हैं शूट के लिए, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को जो है किसी और कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरीके की शूट को लेके। तो अभी तक तो बहुत बेटर से बेटर जो है यहाँ पर काम किया गया है, और मुझे लगता है कि आज हमारा ये फर्स्ट डे है, ओपनिंग है इसकी। तो बस आप लोगों की जो है विशेष चाहिए जो ये बहुत अच्छी तरीके से चले और हम जो है एक कंफर्ट दे पाएँ प्रोड्यूसरों को, डायरेक्टरों को। और प्रोफेशनली एज अ प्रोड्यूसर एंड एज एन एक्टर क्या प्लानिंग है? अभी तो काफ़ी मुश्किल वक्त चल रहा है, लेकिन आगे चल के लग रहा है कि काफ़ी कुछ बदलने वाला है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं अपने प्रोडक्शन? नहीं, बदलने कुछ तो बदला नहीं है, हम जरूर बदल गए हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत समय के बाद, कितने समय से मैंने शूट नहीं की है, और आज जो है इतने समय के बाद मैं ये एक न्यू मैं कहूँगा एक लॉन्चिंग हो रही है हमारी, क्योंकि बस जल्द से जल्द ये लॉकडाउन ख़त्म हो और ये कोविड जो ख़त्म हो, कोरोना वोरोना चला जाए और हर किसी का काम धंधा जो है स्टार्ट हो, क्योंकि मेरे साथ साथ सारे लोग जो हैं बहुत परेशान हैं। और बस मैं सब लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि ये जो है सब लोगों की अच्छे से अच्छे जो है मतलब काम धंधे चलें और लोग खुश हो। मुझे आप क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह देख रहे हैं आगे जो फ्यूचर में क्या प्रोजेक्ट, किस तरह का प्रोजेक्ट आप चाहती हैं बनाएं और या जैसे लाइफ लाइफ की बात करें तो लाइफ को एक बहुत नज़दीक से भी हम लोग देख रहे हैं बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। तो जैसे हर निजी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे ही ये एक दौर है जहां उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बट डेफिनेटली मैं इसको बहुत पॉजिटिव वे में ले रही हूं कि इस बार जो उतार है डेफिनेटली हम सब मिलके इंडस्ट्री में एक चढ़ाव भी ज़रूर आएगा, और वही प्लानिंग है, वही थॉट है, और वही मैंने माइंड में रख के इस चीज़ को हमने शेप दिया है, और डेफिनेटली बहुत अच्छा दौर आएगा और सब बहुत अच्छा इनकम भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे और काम भी करेंगे। तो जैसा आपने बताया कि हर तरह की फैसिलिटी है, तो बेसिकली सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा? OTT प्लेटफॉर्म अब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप ये एक्चुअली ये बेसिकली OTT के लिए तो है ही, हम लोगों ने यहाँ पर बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए भी सेटअप बनाया हुआ है कि ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए है कि वो उनको कितना कम्फर्ट रहता है, क्योंकि जितनी हमें फैसिलिटी करना थी वो पिक्चर्स को लेके जो पिक्चर में शूट की ज़रूरतें होती हैं वो यहाँ पर पूरी चीज़ें हम लोगों ने इस्टेब्लिश की हुई है। तो क्या बिजनेस मॉडल रहेगा आपका, कॉस्ट इफेक्टिव होगा कि नहीं, सिर्फ बड़े प्रोड्यूसर सब अफोर्ड कर पाएंगे? कॉस्ट पिक्चर के ऊपर देख के मतलब हम लोग रखेंगे, जैसे जैसे पिक्चर होंगी उसी हिसाब से जो है कॉस्ट को रखा जाएगा, पर ये ज़रूर है कि हमारी तरफ से जितनी सपोर्ट होगी उतनी हम सपोर्ट करेंगे और स्टार्ट कम से कम हम लोग मतलब प्रोवाइड करेंगे इसको। प्रोफेशनल शुरुआत कब, आज तो मान लीजिए ओपनिंग किया है, प्रोफेशनल शुरुआत कब होने वाली है? बस आज शुरुआत होगी, गणपति बप्पा का आशीर्वाद है बस स्टार्ट हो, और आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द से जल्द जो है ये स्टार्ट होगा। आज हमने गणपति बप्पा की पूजा भी की है, तो वो हमारे साथ हैं और हर समय साथ रहेंगे, और हमारे बीच हमारे जो है आइए बड़े जो कहेंगे कि साथ में हैं हमारे पार्टनर हैं। हमने ये जो वेंचर चालू किया है उसमें जो प्रेरणा है ये मंजू जी की और मुकेश जी की है। हम तो क्या कॉमर्शियल हैं, लेकिन इनकी प्रेरणा से ये सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं, और हमारा पूरा इनका साथ है और अच्छा रहेगा, और आगे जाके ये लोग उन्नति करेंगे।